भारत जननी हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए आज हम जो देखने वाले हैं कि हार्ट हेल्थ के ऊपर, जो भी अभी हर्षद सर बोल रहे थे तो उनके टी शर्ट के ऊपर बहुत मैंने जबरदस्त ये कोट जो था, जो लिखा था, वो मैंने पढ़ा कि जिसमें आई स्माइल इवन यू डोंट सी मी डोंट सी इट, यानी हंसते रहिए, वही सब जो बोलते हैं ना कि हंसने के बाद जो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसकी वजह से बहुत सारी अपने आप हेल्थ मेंटेन रहता है और बहुत सारी बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो हर एक उनके वो जो कुछ लगाते हैं या बाकी जो भी कुछ करते हैं, तो हर एक इसमें से वो मोटिवेशन और कुछ ना कुछ एजुकेशन देने का वो प्रयत्न करते हैं। तो देखिए कि अपना हेल्थ बास्केट फोरम ही ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा उसका अपना जो मोटो है कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, और इसके लिए हम अलग अलग उसके ऊपर एजुकेट करने की कोशिश करते हैं लोगों को। जैसे हमारा हार्ट हेल्थ है, फिर वेट मैनेजमेंट है, आई हेल्थ है, ओवरऑल वेल बींग है, एनर्जी एंड फिटनेस है, चिल्ड्रंस हेल्थ है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम कवर करते हैं जिसकी वजह से एक धीरे धीरे जैसे सुरवंटाचे फुलपाखरू मध्ये जैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वैसे इस फोरम के ऊपर जो भी कुछ बंदा आता है तो 3 महीने में इतना जबरदस्त उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एजुकेशन की वजह से, बॉडी माइंड इतना जबरदस्त कि वो उसको जो घर वाले रहते हैं या हमारे जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के जो लोग मित्र परिवार रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार तेरे में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, खाली हेल्थ यानी बॉडी में चेंजेस नहीं है तो तेरे माइंड में भी इतना जबरदस्त चेंजेस आ गया, और बहुत सारे टिप्स आपसे भी मिलती है। तो उसी प्रकार आज हम हार्ट हेल्थ के बारे में ज्यादा करके देखने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अवयव है, ऑर्गन है, जो हम माँ की गोद में जब बच्चा पलता है तो 4थे महीने से उसका हार्ट जो शुरू होता है तो मरते दम तक वो कंटिन्यू रहता है। और सबसे पहले ये बात है कि हार्ट ही ये क्यों है, तो देखिए बाकी कौन से भी ऑर्गन में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसमें मॉर्टेलिटी के बजाय मॉर्बिडिटी ज्यादा आ जाती है, यानी अपंगत्व आ जाता है, टाइम पीरियड मिलता है हमें उसके ऊपर काम करने के लिए। लेकिन हार्ट ही ऐसा एक ऑर्गन रहता है जिसे हम एक इसेंशियल कि जिसमें कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ी आ जाती है या हार्ट फेल्योर भी हो जाता है तो ज्यादा समय मिलता नहीं। आप देखते हैं कि कोई आदमी नाच रहा है और अचानक हार्ट अटैक आता है तो उसी टाइम वो गिर के चला जाता है, तो टाइम ही नहीं मिलता कि उसके ऊपर हमें एक्शन लेने के लिए। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये इसके लिए हम ज्यादा हार्ट हेल्थ के बारे में हमें सोचना पड़ता है। देखिए नीतू मानके डॉक्टर थे, डॉक्टर नीतू मानके जी, कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के जो उनके हृदय के ऊपर बाईपास सर्जरी उन्होंने किया था, उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया था कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर के वो बहुत सारी जगह अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो अपना टाइम भी देते थे। लेकिन जब उनको हार्ट अटैक आया तो उन्होंने खुद देखा तो खुद को भी वो बचा नहीं पाए, तो ऐसी अवस्था हार्ट की है। इसलिए ज्यादा करके हमें हार्ट देखना है। तो कॉलेज का हार्ट ठीक है, वो तो प्यार से स्माइल से हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होके हम जबरदस्त ये करते हैं, लेकिन जब कॉलेज लाइफ छूटती है और आगे हम 40-50 बरस के ऊपर शुरू हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना स्ट्रेस तान तनाव ये सभी की वजह से हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना शुरू हो जाते हैं। अपना लाइफस्टाइल, खान पान, बाकी जो भी कुछ स्ट्रेस ये जो है फैक्टर्स, अलग अलग प्रकार के व्यसन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसकी वजह से जो हमारे शरीर के अवयव या रचना है वो थोड़ा थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए तो आजकल 30 बरस के भी ऊपर या उससे भी कम लड़कों में हार्ट अटैक या बाकी के बहुत सारे हार्ट डिसीज के लक्षण हमें पा रहे हैं, और जिसकी वजह से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, फिर बाद में हार्ट डिसीज, ये सभी चीजें देख रहे हैं। तो इसकी वजह से उसका एजुकेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए हम यहाँ पे अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर ज्यादा ज्यादा लोगों के आई ओपनर या करने की कोशिश करते हैं, और अपना जो मिशन है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, तो उसमें ज्यादा ज्यादा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण इसके ऊपर ज्यादा हम ध्यान देते हैं। उसी तहत आज हम हार्ट हेल्थ के बारे में एक थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। तो चलिए देखिए कि अभी हार्ट हेल्थ जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि बेसिक तो स्ट्रक्चर जो हार्ट का रहता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के दो चैम्बर है, एक पल्मोनरी सर्किट रहता है, एक सिस्टमिक सर्किट रहता है। जो पल्मोनरी रहता है वो क्या होता है कि उसका मेन जो फंक्शन है कि पल्मोनरी सर्किट का जो जो
जो हमारे राइट साइड का हार्ट काम करता है, और जो सिस्टेमिक सर्किट जिसे बोलते हैं उसे लेफ्ट साइड हार्ट जो रहता है कि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब पंपिंग होता है तो ये ब्लड जाता है कहाँ, पूरे बॉडी में जाके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल को सप्लाई किया जाता है, जो हमारे शरीर में 300 ट्रिलियन सेल्स यानी 300 ट्रिलियन सेल्स आसपास कि उनको पोषण करने के लिए ये काम करता है। और जो पल्मोनरी सर्किट रहता है जो राइट साइड का चेम्बर, जो ऊपर का एट्रियम और नीचे का वेंट्रिकुलर, जो पंपिंग करके क्या करता है कि पूरे बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे लाते हैं तो वो लंग के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है, और सांस के द्वारा जब लंग्स में ऑक्सीजन आता है तो वो फिर हार्ट में लाने के लिए वो मदद करता है। तो उसी प्रकार ये अलग अलग इसकी ये है, ये मस्कुलर पंपिंग सिस्टम है, जो पंप है जो एक बार शुरू हो जाता है तो मरते दम तक एक पंप शुरू होता है, और जो एवरेजली 72 टाइम्स पर मिनट वो धड़कता है, और 1 लाख टाइम्स इन डे वो कंटिन्यू चलते रहता है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम 2.5 बिलियन टाइम्स वो धड़कता है। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली जो रहता है हार्ट की 11 आउंस मींस 0.312 kg यानी 1 किलो के या आधा किलो के बीच में अपने हार्ट का वजन रहता है। तो इस प्रकार हार्ट स्टार्ट फंक्शन फ्रॉम 4 वीक्स ऑफ कंसेप्शन यानी माँ की गर्भावस्था में चौथे वीक से वो शुरू हो जाता है सप्ताह से और अंटिल डेथ तक। और जो एवरी मिनट 4.7 लीटर ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू योर हार्ट टू डिलीवर लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू 300 ट्रिलियन सेल्स इन 70 ईयर्स लाइफ टाइम, 70 बरस अगर लाइफ टाइम में अगर देखेंगे तो 2.5 बिलियन टाइम हार्ट अपना धड़कता है, और जो 70 बरस के ऊपर जितना ज्यादा जीते हैं तो उतना ज्यादा हार्ट अपना और कार्य ज्यादा करता है। देखिए 5.6 लीटर जो ब्लड है तो वो 3 टाइम्स एवरी मिनट पूरे बॉडी में घूमता है। अगर पूरे बॉडी में हम अपने जो रक्त वाहिनियां है जो धमनियां है उनको एक एक जगह एक ऐसे एक से एक जोड़ेंगे तो पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो सकती है 80,000 किलोमीटर के ऊपर। इसका जैसे बोलते हैं ना कि नेटवर्क या जाल उसका पूरे शरीर में फैला रहता है, तो उसमें सिर्फ 3 टाइम्स एवरी मिनट ये काम करता है। देखिए हार्ट कितना जबरदस्त वर्कआउट करता है। तो इसलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से यही ब्लड पूरे शरीर में दिया जाता है, और जैसे डिसीज में अलग अलग प्रकार कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, सेरिब्रल वेस्कुलर डिसीज, ये अलग अलग कैसा है कि जब कार्डियो यानी हार्ट और वेस्कुलर यानी पूरे ब्लड वेसल्स, तो खाली हार्ट में नहीं तो ब्लड वेसल्स में भी कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है पूरे, तो वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के तहत लिया जाता है। तो उसका जो मेन बेस है जो पंप है तो वो हार्ट है, उसकी वजह से हमें हार्ट के बारे में ज्यादा करके हार्ट डिसीज के बारे में ज्यादा हम देखते हैं कि हार्ट डिसीज इज अ क्लास ऑफ डिसीज दैट अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स यानी हार्ट को और पूरे ब्लड वेसल्स को अगर ये कुछ हो जाता है, और ज्यादा करके ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही होता है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन इन विच प्लेटफॉर्म इन द वॉल यानी जैसे एक हम देखते हैं कि घर में जो पाइपलाइन गई रहती है जो हमारे नल को पानी आता है तो बीच में से जो एक गंज चढ़ता है उसी प्रकार का गंज जो हमारे रक्त वाहिनियों में होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है रक्त वाहिनियों की जो आकुंचन प्रसरण पाना वो भी स्टिफ हो जाते हैं और अंदर से गंज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन बढ़ता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे अंजाइना यानी खून पुरोटा शरीर को हार्ट को कम हो जाता है, जिसमें हार्ट अटैक और एमआई तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे बोलते हैं ना कि 100% ब्लॉक हो जाता है हार्ट, तो उसे रक्त वाहिनी जो खून पुरोटा करती है पूरे हार्ट को, तो उसमें अगर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो उसे इस्कीमिक हार्ट डिसीज, आगे चल के उसमें ज्यादा 80 के अबव ब्लॉक होता है तो उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऐसा हो जाता है। तो क्यों, तो जब हार्ट पंपिंग करते रहता है तो हार्ट को भी पोषक तत्व तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जब भी वो उसके सेल्स काम करेंगे पंपिंग का। लेकिन जब हार्ट अटैक आता है ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो क्या होता है कि हार्ट सेल को हार्ट मसल को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो बंद हो जाते हैं, इसलिए वो कार्य करना अपना कम हो जाता है, फिर हार्ट खुद का भी पोषण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इस्कीमिया अलग अलग प्रकार के हार्ट अटैक वगैरह बाकी ये सब आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ अगर देखेंगे हम तो
तो सबसे दुनिया में लीडिंग कॉज जो रहता है, देखिए किस तरह से बहुत बड़ा कॉज है, तो हार्ट एंड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स ये सबसे है, बाद में कैंसर, फिर बाद में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, फिर नर्वस सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, किडनी इन्फेक्शन, ये सब होते 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 हुए बाकी ये हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा कारण है हार्ट एंड हार्ट डिसऑर्डर्स, इसीलिए थोड़ा सा हमें हार्ट के ऊपर ज्यादा तरीके से ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए कि जब हृदय को खून पुरोटा कम होता है, यानी पोषक तत्व हृदय के जो सेल्स है, टिश्यू है, पेशी है, उनको जब कम होता है, तो क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं हार्ट अटैक के? तो देखिए चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एक तो छाती के ऊपर दबाव आया जैसा लगता है विक्टिम को यानी पेशेंट को, फिर बाद में प्रेशर आया है, टाइटनेस, पेन, ये सब शुरू हो जाता है, और थोड़ा सा सडनली डिस्कम्फर्ट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यानी डिस्कम्फर्ट कहाँ कहाँ होता है? शोल्डर में होता है, नेक में होता है, जॉ में होता है, इस तरह से उसके रेफर्ड पेन शुरू हो जाते हैं। तो ये तीन चीजों में रहता है। जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है और बोलता है सर मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तो हर एक को हार्ट अटैक नहीं रहता, तो कैसा रहता है, कभी कभी उसको हाइपर एसिडिटी रहती है, गैसेस की वजह से उसको इसोफिजियल रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी उसका ये पूरा हाथ जो दाहिना रहता है वो दुखना शुरू हो जाता है, हाथ जड़ पड़ता है, फिर हार्ट अटैक से भी होता है। तो उसको रिवेल्व करने के लिए अगर हम देखते हैं, तो अगर उसको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम नहीं है, हाइपर एसिडिटी नहीं है, तो और हार्ट अटैक भी नहीं है, वो रूल आउट करने के लिए हम ईसीजी निकाल के हम पहले देखते हैं। लेकिन क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है कि वह एसिडिटी में वैसे ही लक्षण रहते हैं, हार्ट अटैक में भी वैसे लक्षण रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी वैसे लक्षण हो सकते हैं, क्यों? तो ये तीनों ही पार्ट को सेम इनर्वेशन ऑफ द नर्व, यानी एक ही पार्ट से जो हमारा सर्वाइकल रीजन रहता है, तो C4 C5 इसके बीच गैप में से वही तीनों को भी नर्व सप्लाई होता है, यहाँ पे भी और गैस्ट्रिक को भी। तो यहाँ पे अगर गैस्ट्रिक में ज्यादा कुछ ये हो जाता है, तो क्या होता है कि उसका नर्व का जो इम्पल्स है वो वहां पे जाता है बेस को, बेस को जाने के बाद वो उसके साथ जो दूसरे नर्व जो आए हैं हार्ट को और अपने हाथ को, तो उसको भी वो रेफर्ड पेन जिसे बोलते हैं कि उसको भी स्टिमुलेट कर देता है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। तो सडन प्रोफ्यूज स्वेटिंग अगर होता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग जैसा हो जाता है, और कॉन्शियसनेस उसका चला जाता है, क्योंकि हार्ट का पंपिंग कम होने की वजह से क्या होता है कि जो पंपिंग होने के बाद जो खून पूरे शरीर में जाके हर एक टारगेटेड ऑर्गन को जाके वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना चाहिए, जैसे हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत रहती है, जब हार्ट पंप करना शुरुआती को कम कर देता है या हार्ट रेट कम हो जाता है, तो फर्स्ट इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन के ऊपर, क्योंकि उसको ऑक्सीजन और उसके जो ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं है, तो उसको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो ये सभी लक्षण जो रहते हैं कभी कभी, तो उम्र होने के बाद या डायबिटीज मिलेटस होने के बाद क्या होता है कि डायबिटीज की वजह से शुगर ऊपर के साइड को रहती है, अनकंट्रोलेबल डायबिटीज जब जिसका ज्यादा रहता है, तो जो नर्व के ऊपर वो शक्कर का कोटिंग होता है, तो क्या होता है कि वो बराबर इम्पल्स नहीं होता, उसकी वजह से चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये लक्षण ज्यादा जिसकी उम्र हो चुकी है और जिसको डायबिटीज ज्यादा दिन से है, तो उनको भी ये प्रॉपर लक्षण दिखते नहीं है। तो एक थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि अलग अलग इसमें से कौन सा भी एखादा लक्षण रहेगा, तो अपने फैमिली डॉक्टर को टच करना चाहिए कि कुछ हो रहा है। तो इसी प्रकार जैसे स्पेसिफिक फीमेल्स में जो रहता है कि कोल्ड स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा पसीना आता है, बैक पेन, कभी कभी पीछे भी दुखना शुरू हो जाता है, जॉ पेन, शॉर्टनेस, सांस को तकलीफ, भारीपन चेस्ट में, वोमिटिंग, ये सब लक्षण जो रहते हैं, रेफर्ड पेन, लेफ्ट आर्म जड़ हो जाता है, तो ये सभी चीजें, किसी किसी पेशेंट को खाली लेफ्ट आर्म जड़ होता है, बीपी ऊपर के साइड या कम हो जाता है, तो भी हम ईसीजी निकाल के वो डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये अलग अलग इसके ऊपर, अगर ऐसा कुछ होता है घर में, तो पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल उठाएंगे और 1 से 8 108 को कॉल लगा सकते हैं। जब हम 108 को कॉल लगाते हैं, तो वो कॉल जाता है, आपका जो एड्रेस है वो पूछते हैं, फिर वहां पे एक एम्बुलेंस आ जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट से, कि जिसमें एक डॉक्टर भी रहता है, ड्राइवर रहता है, और वो एम्बुलेंस में बेसिक जो लाइफ सपोर्ट के जो टूल्स रहते हैं तो वो वहां पे रहते हैं, तो डॉक्टर आपका वहीं पे उपचार देगा, फिर गाड़ी में बरोबर आपको उठा के ले जा सकता है। क्योंकि जब हार्ट अटैक सच में आता है, तो स्टेयर जो रहते हैं, चलना, चढ़ना, भागदौड़ करना, ये ज्यादा ज्यादा रोकना पड़ता है। समझो घर में किसी बुजुर्ग या किसी करते पुरुष को अगर अटैक आता है, तो क्या करें, किसको बुलाएं, तो हमें समझ में नहीं आता, तो हम 1 से 8 डायल कर सकते हैं।
कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है और कहीं मेडिकल इमरजेंसी जरूरत है तो आप 1 से 8 कभी भी डायल कर सकते हो। कहीं से भी दूसरों के बाजू के घर में भी कुछ होता है तो आप फोन करके बोल सकते हो इसी प्रकार। यस, तो हार्ट डिसीज अलग अलग प्रकार के हमने देखे कि जिसमें हार्ट डेवलप्स ओरियर एंड प्रोग्रेसेस व्हेन द हार्ट डजंट गेट इनफ न्यूट्रिएंट रिच इन ब्लड, यूनिट जो प्रॉपर मात्रा में उसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जो चाहिए वो अच्छी तरह से हार्ट को मिलता नहीं, जिसकी वजह से, और हमने देखा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो पाइप में गंज चढ़ता है, जैसे जैसे ये बैड कोलेस्ट्रॉल अंदर बढ़ते चला जाता है, जैसे जैसे वो हमारे हार्ट के साइन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम बोलते हैं ना कि उसको पहला अटैक आया, दूसरा अटैक आया, तीसरा अटैक में नहीं बचता, या कोई बोलता है कि पहले अटैक में चला गया, तो वो किस पे अवलंबन रहता है कि जो प्लाक रहता है तो जो समझो पैर में भी रहें दो या किधर भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसा, वो अगर रक्तवाहिनी में घूमते घूमते हृदय में अपने पल्मोनरी यानी फुफ्फुस में या ब्रेन में कहीं पर भी वो अटक जाता है, तो जब वो 100% अटक जाता है तो उसको बड़ा अटैक बोलते हैं और वो जगह पे जाता है। लेकिन जब हार्ट अटैक आता है तो कितना ब्लॉक अटका है और बाजू से कितना ब्लड चला जाता है उसके ऊपर उसकी डेथ होती है या नहीं है उसके ऊपर ये सब निर्भर करता है। तो इसलिए हार्ट अटैक में इस तरह से जहाँ पे समझो खून यहाँ पे रुक गया है तो क्या होता है कि आगे जो उसको प्रॉपर मात्रा में जो जाना चाहिए 100% उसको न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन वो मिलता नहीं, जिसकी वजह से वहां पे इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है, यानी धीरे धीरे वो सूखना चला जाता है। जैसे एकादा शेतकरी है और वो पौधे लगाता है पीक में, तो पानी अगर नहीं देते हम तो क्या होता है धीरे धीरे वो सूखते चले जाते हैं। तो उसी प्रकार इस्कीमिया में क्या होता है कि पार्शियली ब्लड कम हो जाता है लेकिन धीरे धीरे वो सेल के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब अचानक पूरा बंद हो जाता है तो अचानक पूरा मायोकार्डियल इंफेक्शन में नेक्रोसिस हो जाता है। अचानक पूरा बंद होने की वजह से 4 या 5 मिनट में पूरा वो सेल्स पूरा काम करना बंद कर देते हैं। जैसे इसी प्रकार तो अलग अलग प्रकार के देखिए कि नॉर्मल हेल्दी आर्टरी कैसी रहती है, फिर बाद में जब थ्रोम्बोस उसमें आता है प्लाक तैयार हो जाता है, फिर अलग प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग भी रुक जाता है बीच में से, पहले से अंदर से कोटिंग है और उसमें से कहीं से क्लॉट वहां पे चला जाता है, तो जैसे अगर समझो ब्रेन में यही अटक जाता है रक्तवाहिनी में तो वहां पे पैरालिसिस डिजीनेस फटिक हो जाता है, वही लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसे बोलते हैं पल्मोनरी में अटक जाता है फुफ्फुस में तो उसे अलग प्रकार के साइन दिखते हैं, वही हृदय में अगर अटक जाता है तो अलग प्रकार के साइन वहां पे हार्ट अटैक के दिखते हैं। तो इसी प्रकार समझो ब्रेन में हो जाता है तो आदमी जाता नहीं, उससे क्या होता है पैरालिसिस होता है, फिर बाद में वो मॉर्बिड डिटी की ओर चला जाता है लेकिन हार्ट मॉर्टेलिटी की ओर चली जाती है। इसी प्रकार जैसे हमारा विजरल फैट बढ़ता है, विजरल फैट बॉडी फैट और जो हमारा ट्रंक फैट, अलग अलग फैट जब बढ़ते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ जाता है, फिर हमारे जैसे हार्ट के ऊपर जो कोटिंग हो जाती है या अलग अलग अवयव के ऊपर जो विजरल फैट बढ़ता है तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकता, फिर उसको रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है कि रक्तवाहिनी संकुचित होने की वजह से कोटिंग होने की वजह से, और वजन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा वर्क हार्ट को करना पड़ता है, इसलिए हार्ट जल्दी से अपना इंजन काम निकाल देता है। फिर इसी प्रकार तो अलग अलग अगर हार्ट डिसीज देखेंगे तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसमें जो आर्टरी रहता है तो उसमें ब्लॉकेजेस होके कम या अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वो हृदय को कम पड़ता है, और अरिथमिया जो रहते हैं हार्ट बीट्स इरेगुलर होते हैं, कभी कभी हृदय के ठोके कम ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिल जब अपने आप शुरू हो जाता है तो उसको बाहर से कहीं करंट नहीं रहता, तो एक बार दिल धड़कना शुरू हो गया जैसे खुद के दम पे वो पंपिंग करना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो रहता है एसए नोड रहता है राइट एट्रियम की ओर, फिर बाद में एवी नोड, फिर पर्किंजिस फाइबर्स और ये सब बंडल ऑफ हिज, ये ऐसे अलग अलग प्रकार के वहां पे करंट के ये रहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी आ जाती है तो अरिथमिया शुरू हो जाते हैं। हार्ट फेल्योर यानी जो हृदय को खून पूरा तक कम होने के बाद जो उसका कार्य है हृदय की पेशी का वो अच्छे तरह से होता नहीं, फिर धीरे 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 क्या होता है कि हृदय की पंपिंग स्टॉप हो जाती है ब्लॉक, फिर खून तो आना शुरू हो जाता है फिर वहां पे रुक जाता है और जिसकी वजह से हार्ट पंपिंग करने में फेल हो जाता है, फिर पूरा जो छाती के ऊपर फुफ्फुस में एक प्रकार का इडिमा तैयार होता है और पल्मोनरी इडिमा में वो मुंह से कभी कभी फेस आता है बाकी का आता है, तो वो हार्ट फेल में चला के फिर बाद में पेशेंट स्टॉप हो जाता है। वाल्वुलर हार्ट डिसीज जो ब्लड पंप करने के लिए खून अंदर आना रुकना फिर बाद में पंपिंग करते टाइम जो वाल्व खुलते हैं बंद होते हैं खुलते हैं बंद होते हैं,
तो उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ये सब ब्लड एक में मिक्स हो जाता है, तो इसकी वजह से प्रॉपर शरीर को जो अच्छा पोषक तत्व तो ऑक्सीजन 100% मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, जिसकी वजह से उन लोगों के नाखून नीले नीले रहते हैं, ओंठ नीले नीले रहते हैं, चलते हुए उसको धाप लगती है। तो अलग अलग प्रकार के कार्डियोमायोपैथी इसमें क्या होता है कि समझो ब्लड प्रेशर ज्यादा है और उसका प्रॉपर तरीके से उपचार नहीं किया, तो क्या होता है कि उसका प्रेशर पंप के ऊपर हृदय के ऊपर आके उसको हृदय का आकार फुटबॉल शेप यानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके मायोपैथी यानी मसल्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और पेरिकार्डाइटिस यानी जो अपने हार्ट है उसके भी 3 लेयर रहते हैं, उसमें कहीं पे भी इंफ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी प्रकार से, तो उसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। एओर्टिक हार्ट डिसीज यानी जब पंप करते हैं तो एओर्टा यानी ऊपर का जो ब्लड रक्त वाहिनी रहती है, फिर उससे जो ब्रांचेस शुरू होते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। वेस्कुलर तो पूरे शरीर में कहीं पर भी जो वेसल्स है जो रक्त वाहिनी है तो प्रॉब्लम आ जाता है, तो ब्रेन में, हार्ट में, पैर में, कहीं पर भी कौन से भी अवयव में, तो वो भी ये सब इतना व्याप्ति अपने इसकी है। तो ये किसको हार्ट डिजीज होने के चांसेस जाते हैं, तो ज्यादा करके जो हमारी बेली साइज जो रहती है तो वो बढ़ने की वजह से, अलग अलग प्रकार जो फीमेल्स में 35% और मेल्स में 40% अलग प्रकार के कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है हमारे, हेयर लॉस और ये सब, ब्रेन फंक्शन कंफ्यूजन, ये सब प्री साइंस है जो आने से पहले, जैसे बोलते हैं ना सुनामी आने से पहले जो शांतता आती है, अलग अलग प्रकार का समझो वादल शुरू हो जाता है, तो वैसे ही ये लक्षण से हम देख सकते हैं कि हमारा पेट बढ़ गया है, हमारा वेट बढ़ गया है, तो ये सब लक्षण हम प्रोन कर रहे हैं कि हार्ट डिसीज को या इसको, तो ये अलग अलग प्रकार के, उसकी वजह से जो 17.3 मिलियन पीपल्स डाइड फ्रॉम सीवीडी यानी कोरोनरी जो आर्टरी डिसीज है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जा रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हार्ट डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड और कंट्रोल। प्रिवेंशन इंक्लूड्स लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ मेडिकेशन और कुछ जो सप्लीमेंट्स है और प्रॉपर एक्सरसाइज, इसकी वजह से हम अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। और हमें तो पता है कि रिस्क फैक्टर क्या है, अबाउट जब 40 होता है और जेंडर भी, अलग अलग प्रकार की फैमिली हिस्ट्री है, हमारा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बाकी स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसकी वजह से ये आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे देखते हम कि रिस्क फैक्टर जैसा स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये। लेकिन स्पेसिफिक अगर हम रिस्क फैक्टर देखेंगे तो लेडीज में अगर देखते हैं हम तो प्री टर्म डिलीवरी, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जब पेट में बच्चा रहता है तो माता भगिनियों को एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है कि शरीर को वो समझता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, तो उसमें कभी कभी शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, अलग अलग प्रकार के थायराइड वहां पे सिक्रेट हो जाता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस रहने की वजह से, प्री इक्लैम्प्सिया, कभी कभी तो इतना बीपी बढ़ता है कि झटके शुरू हो जाते हैं, और गेस्टेशनल डायबिटीज जो रहता है, ऑटोइम्यून डिसीज, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट की जो रहते हैं उससे भी ये प्रोन हो सकते हैं, जो कुछ दवा गोली जो चालू रहती है उसलिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक अमेनोरिया, मेनोपॉज, ये सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फीमेल्स में ज्यादा शुरू हो जाता है। लेकिन फीमेल्स में हार्ट अटैक ज्यादा आता नहीं है, क्यों? तो देखिए कि हर महीने में जो महावारी आती है उनको, तो जो वो महावारी आना सही है क्योंकि वो महावारी से क्या होता है कि उनके शरीर में जो भी कुछ कीट दोष या कुछ भी रहने दो वो पैदा होता है, तो वो 4 दिन में वो उनका शरीर क्लींजिंग हो जाता है सही तरीके से। इसलिए सब बोलते हैं कि जब तक महावारी आती है तब तक अपना गर्भाशय रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भाशय रिमूव अगर करेंगे तो जो महीने को महीने पाली जो आनी चाहिए वो बंद हो जाती है, उसकी वजह से फिर शरीर में हॉर्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, फिर बाद में अलग अलग प्रकार का मोटापा बढ़ना या बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए पोस्ट मेनोपॉज जो भी कुछ है, ज्यादा करके देर से आप जब तक महावारी आपकी जाती नहीं तब तक आप शक्य तो अपना गर्भाशय का पिशवी निकालना नहीं चाहिए। उसी प्रकार और जब डिलीवरी होती है तब डिलीवरी की जो पेन्स रहते हैं तो इतने स्ट्रांग रहते हैं वो, कि कम से कम उसका 7-8 डेसिबल के भी ऊपर वो डिलीवरी की पेन रहते हैं, और जब हार्ट अटैक आता है तो उसकी पेन जो रहता है वो 3 या 4 डेसिबल तक उसका पेन रहता है। तो जब मेल में या पुरुषों में हार्ट अटैक आता है तो उसका पेन के दर्द से ही मेल वहां पे सडन उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन फीमेल हार्ट का जो पेन है वो बियर कर सकते हैं क्योंकि डिलीवरी में उससे भी ज्यादा उनके शरीर ने पेन एक्सपीरियंस किया रहता है, इसलिए वो फीमेल ज्यादा करके हार्ट अटैक में बचते हैं। यस
तो देखिए कि जैसे रिस्क फैक्टर में हमने देखा है कि एजिंग, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल वगैरह, बाकी सब अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो रहते हैं। तो हम बीपी, ब्लड प्रेशर देखते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हम एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो शरीर को चाहिए, और जो नहीं चाहिए एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये अगर बढ़ते हैं ज्यादा तो हार्ट डिसीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फास्टिंग प्लाज्मा अगर ज्यादा बढ़ता है तो भी डायबिटीज का जो टेस्ट रहता है उससे भी हार्ट अटैक की चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये साइलेंट किलर जो है उनको प्रॉपर मैनेज रखना जरूरी रहता है। बॉडी मास इंडेक्स एंड वेस्ट सर्कमफेरेंस जो अपना है वो हर एक ने चेक करना है। जो अपने करोड़ स्कैन मशीन के ऊपर हम जांच करते हैं तो बीएमआई जो अपना है तो 24.5 से लेके हम 28 तक अपना जो नॉर्मल है वो ज्यादा ज्यादा बीएमआई हम रख सकते हैं। यानी हमारे बॉडी मास इंडेक्स में फैट लेवल हम अच्छी तरह से मेंटेन रखना चाहिए, और हमारा कमरा, जो कमर है उसका कमरा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे कमर हमारी बढ़ती है पुरुषों में 40 के ऊपर, 1 इंच से भी बढ़ती है तो हार्ट अटैक के चांसेस 10% से बढ़ जाते हैं, और फीमेल्स में 35 के ऊपर। इलेक्ट्रो ईसीजी देखते हैं, स्ट्रेस टेस्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इसमें हम एंजियोग्राफी में खाली अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं कितना ब्लॉक है, क्या है वगैरह। बाकी एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें फिर अलग प्रकार के स्प्रिंग वगैरह डाल के उसको जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको मार्ग मुकड़ा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और बाईपास में कैसा है, यानी कहीं रोड का काम चालू है तो बाजू से रोड उसको जोड़ देते हैं ना, छोटा सा बाईपास करते हैं। तो उसी प्रकार जब रक्तवाहिनी बंद हो जाती है ज्यादा करके पूरे तरीके से, तो अलग प्रकार के जो हमारे पैर की जो सिफेनस वेन बाकी जो है रहते हैं वो निकाल के वहां पे आयलर और पैलोर उसको जोड़ के नया एक ट्रैक बनाया जाता है, उसको बाईपास कहते हैं। ये इसी प्रकार, लेकिन ये करने से पहले हमें प्रिवेंशन करना इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए हार्ट के ऊपर अगर अच्छा काम करना है तो हमें हाइपरटेंशन रिड्यूस करना चाहिए। नॉर्मल हाइपरटेंशन हमें पता है 120 से लेके 140, और 140 के 160 तक जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1, फिर बाद में 160 के ऊपर अगर रहता है तो स्टेज 2, और डायस्टोलिक जो है 100 100 के ऊपर, 90 के ऊपर डायस्टोलिक नहीं रहना चाहिए और 140 के ऊपर सिस्टोलिक नहीं रहना चाहिए। जो बीपी का आता है ना घर में हम देख सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं दिखना क्योंकि हमारे तान तनाव से बीपी बढ़ सकता है। जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं, या इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, या समझ में नहीं आता क्यों, तो ये क्राइसिस में क्या हो जाता है कि जब बीपी हायर देन 180 और डायस्टोलिक 110 के ऊपर हो जाता है तो कैसा रहता है कि जब हम हमारे बगीचे में पानी देते रहते हैं तो वो पाइप को अगर हम आगे से बंद करते हैं ब्लॉक, तो क्या होता है कि उसका प्रेशर पीछे आ जाता है, पर कहीं ना कहीं वो फिर जो पाइप है कहीं से तो फट सकता है प्रेशर की वजह से, नहीं तो कहीं से लीक होके वहां से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, तो वो या अपने हार्ट के ऊपर या पंप के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो उसी प्रकार जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कहीं पर तो पहले तो नेजल ब्लीड शुरू हो जाता है, या ब्रेन में कहीं पे तो ब्लीडिंग हो सकता है, कहीं पर भी ब्लीडिंग हो सकता है, फिर बाद में पैरालिसिस और ये क्राइसिस में आदमी चला जाता है। तो उसी प्रकार भगवान ने ये जो रहता है कि वॉल का प्रेशर कहीं बढ़ता है तो कहीं से तो निकालना, बोले तो वो नाक में से वो अपने अपने कभी कभी रक्तवाहिनी फूट जाती है और नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, और वो जल्दी कम नहीं होता, तब हम देखते हैं कि बीपी बढ़ा है क्या। ये नेचर का ये, अगर नाक में वो फूट के नाक से बहेगा नहीं बाहर, तो कहीं भी अपने शरीर में वो रक्तवाहिनी फटी तो वहां के अवयव में दुर्बलता आके फिर परमानेंट डैमेज हो सकता है। ये एक नेचर का प्रिवेंटिव मेथड है। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, यानी डायबिटीज आप कंट्रोल कीजिए। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है तो धीरे धीरे वो उसका जो, जैसे बोलते हैं ना कि पानी में अगर शक्कर ज्यादा बढ़ती जाएगी तो उसका पाक बनता है, और पाक बनने की वजह से क्या होता है कि कहीं पर भी वो माइक्रो सर्कुलेशन जो रहते हैं हमारे बालों से भी बारीक रक्तवाहिनियां हमारे आंखों को, किडनी को, हृदय को, सब तरफ जो जाते हैं, तो उसमें वो पाक की वजह से कोटिंग होना शुरू हो जाते हैं और रक्तवाहिनी जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर आके फिर बीपी वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर बाद में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। देखिए कि मेंटेन हेल्दी वेट, हेल्दी वेट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो रिस्क फैक्टर होता है, जिसकी वजह से जो फैट जमता है, चर्बी, मेद जो शरीर में बढ़ता है, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, बीएमआर जब हमारा बढ़ता है, यानी एक्सेस फैट जो बॉडी का रहता है ना, तो वो अप टू 25 तक रहना चाहिए, और उसके ऊपर जब बढ़ते हैं तो ओवर वेट के ऊपर हम चले जाते हैं। देखिए वेस्ट का सरकमफ्लेक्स मैंने बोला था कि जैसे 40 इन मेल एंड 35 इन फीमेल्स की इसमें रहना चाहिए, जैसे बढ़ेगा वैसे हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के बैलेंस डाइट, डाइट के ऊपर भी बहुत सारे हमारे सीनियर मेंटर्स हमें बोलते हैं कि
अच्छी तरीके से जो लो सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है यानी प्रोसेस्ड फूड, अलग अलग प्रकार के जो ज्यादा उसमें फैटी तलाते हुए डालडा या बाहर के सब भजे वगैरह, बाकी जो बार बार तेल यूज करते उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में मदद करता है। साल्ट अगर हम ज्यादा लेते हैं, अलग अलग प्रकार के बाहर के प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं गाड़ी के ऊपर के उसमें, तो उसमें साल्ट यानी नमक का प्रमाण ज्यादा चला जाता है। और अल्कोहल, स्मोकिंग या अलग अलग प्रकार के जो फूड्स रहते हैं उसकी वजह से भी। और जो रेगुलर एक्सरसाइज जो रहता है, तो रेगुलर एक्सरसाइज इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। इट हेल्प यू मेंटेन अ हेल्दी वेट। इसलिए तो हमें मॉर्निंग कॉल और बाद में जिसको आइडियल वेट के ऊपर आना है तो उसको इवनिंग कॉल में भी ज्वाइन होना चाहिए, और ब्रिस्क वॉकिंग या बाकी जो हमारे चलता है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए कि हेल्प वेट लॉस करने में मदद करता है एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने में भी इम्पोर्टेंट रहता है ये। और इसी प्रकार हम अलग अलग प्रकार की करते हैं। मैंने तो अभी बोला था कि जो नमक है वो कम रखना चाहिए, क्योंकि देखिए 80% ऑफ साल्ट इनटेक कम्स फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, चीज, बॉटल सॉस, जो है प्योर मीट्स वगैरह बाकी इसमें से। और इसमें द डेली इनटेक ऑफ साल्ट कितना रहना चाहिए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने बताया कि 15 ग्राम टू 23 ग्राम, इतना यानी 15। और जो हार्ट डिसीज जिनको है थोड़ा बहुत लगता है तो 15 ग्राम के नीचे उसका जो साल्ट है वो रहना चाहिए। देखिए स्मोकिंग जब करते हैं तो जो टोबैको प्रोडक्ट जब लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्मोक होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो विस्कोसिटी है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और उसमें एक प्लग अलग अलग प्रकार का होना शुरू हो जाता है, अंदर से कार्बन कोटिंग बनना शुरू हो जाता है। तो ये हर रोज 14,000 से भी ऊपर लोग खाली स्मोकिंग की वजह से और हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। तो स्मोकिंग कॉज प्लग टू इन ब्लड प्रेशर, प्लग यानी अंदर से कोटिंग होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अड़थड़ा होना शुरू हो जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो रिड्यूस हो जाता है, ब्लड प्रेशर उससे बढ़ता है, और उस स्मोकिंग से जो हमारा हार्ट का बीट रो होना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने बोला था कि एसए नोड वगैरह बाकी इलेक्ट्रिक पंप जहाँ से जाते हैं तो उसके ऊपर एक्शन होता है, अरिथमिया उसका अनियमित हृदय के ठोके होने शुरू हो जाते हैं। तो उसी प्रकार और फिर बाद में स्मोकर हु हैव अ हार्ट अटैक आर मोर लाइकली टू डाई एंड डाई सडनली। जो सिगरेट लेते हैं जब उनको हार्ट अटैक आता है तो जस्ट चांसेस उनको हार्ट अटैक आने के, और हार्ट अटैक आते हैं तो बचने के भी कम चांसेस होते हैं। और जो स्मोक नहीं करता, जो डेली एक्टिविटीज हमारे नेचुरल न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल में रहता है, उसको हार्ट अटैक भी आता है तो बचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो सडन डेथ उनकी होती नहीं है। इसलिए स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, तान तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तान तनाव से जो हार्मोनल इम्बैलेंस, जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने की वजह से जो हृदय की गति बढ़ती है, तो उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, कोलाइटिस, इरिटेबिलिटी यानी तान तनाव की वजह से सभी प्रॉब्लम शरीर में होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो गति है वात की, जो पंपिंग है हार्ट का, वो इरेगुलर होने की वजह से या ज्यादा होने की वजह से भी हर एक सेल का, हर एक ऑर्गन का अच्छी तरह से पोषण होता नहीं है, जिसकी वजह से अलग अलग सभी प्रकार की बीमारी होना इसमें शुरू हो जाती है। यानी देखिए तान तनाव कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये स्ट्रेस में लाने के लिए, रहने के लिए, यानी हर एक प्रकार की बीमारी अगर तान तनाव से होती है तो हमें तान तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि तान तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमारे वर्क प्लेस में आनंदी वातावरण रहना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए, एक्सप्लोर स्ट्रेस रिलीव बाय मेडिटेशन, योगा, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन चाहिए। इसीलिए तो अपने हेल्थ बास्केट के फोरम के ऊपर हमारे आरचे सर ने और सुधीर सर ने उनके भी इसके ऊपर सुबह में 6 PM से पहले 5:30 से लेके 6 बजे तक एक मेडिटेशन का प्रोग्राम रहता है। इसलिए हर एक कोई ने उस मेडिटेशन प्रोग्राम को ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि जो सुबह की शुरुआत जब हम एक अच्छे मेडिटेशन अफॉर्मेशन से करते हैं और एक अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है स्व स्वरूप की जानी से लेके, तो पूरा दिन हम एक अलग प्रकार की एनर्जी लेवल को हम मेंटेन करते हैं और तान तनाव युक्त पूरा दिन हमें चला जाता है, और हम डिसीज फ्री रहने में मदद हो जाती है, और एक जो डिप्रेशन मेनिया इस चीज से हम दूर चले जाते हैं। तो ये रिड्यूस जो स्ट्रेस है, तो अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइट जो अपना पोषक तत्व है वो लेके, जो अपना चाय नाश्ता है, सप्लीमेंट्स है वो लेके, ये सब होता है। इसी प्रकार से माइंडफुलनेस हमारा अच्छी तरह से बढ़ता है,
और कौन से टारगेट, साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो है उसके भी ऊपर हम ये करते हैं। गेट इनफ स्लीप, अच्छे तरीके से स्लीप रहनी चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि 7 to 8 hours, यानी मिनिमम 6 आवर तो हमें स्लीप रहनी चाहिए, जो लवकर नीचे लवकर उठे, तैसे अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। उसी प्रकार जो 5 पिलर ऑफ द हेल्थ में, उसके ऊपर ज्यादा करके हमारे मेंटर्स हैं, हमारे डॉक्टर विनय मैडम हैं, जो हमारे निर्मला मैडम, वो अच्छे तरह से ये बताते हैं हमें कि किस प्रकार स्लीप के बारे में स्पेसिफिक सेशन होता है, उसी प्रकार ये हम अच्छा स्लीप लेना चाहिए। रिड्यूस इनटेक, जो ड्रिंकिंग है वो रिड्यूस इनटेक करना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि अल्कोहल अगर कम मात्रा में भी थोड़ा बहुत अच्छा है ऐसा कोई बोलता है तो उससे लत लग सकती है, जिसके वजह से वो पैक इसी में नहीं रहता, बढ़ते बढ़ते चला जाता है, एक प्याला से पूरा कुछ बर्बाद हो सकता है, क्योंकि वही शुरुआत रहती है, उससे भी अनकंट्रोल होना शुरू हो जाता है। पहले सोशल ड्रिंकर की तरह हम होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उसमें से 20%, 12 to 20% ऐसे लोग रहते हैं कि जो अल्कोहलिक हैबिचुअल, और जैसे बोलते ना कि दारूडा, वैसे बन जाते हैं, और पूरे उसका भी और परिवार का भी नुकसान होता है। तो ज्यादा करके उसकी तरफ से हमें हटना चाहिए, जो हमारे स्किन बूस्टर है, जो हमारे ये चाय नाश्ता है, हाइड्रेट है, बाकी ये सब चीजों में इतना जबरदस्त मजा है, और उससे जो हेल्थ हमें मिलती है, तो हम एक 100 क्रॉस इजी कर सकते हैं। प्रिवेंशन बिगिंस विद यू। देखिए, स्टेप अगर हम अच्छे तरह से लेते हैं, अलग अलग प्रकार के वेट रिडक्शन करने के लिए BMI के ऊपर हम खर्चा करते हैं, अपना सकत संतुलित पोषक आहार लेते हैं, अच्छा मॉर्निंग कॉल इवनिंग कॉल के ऊपर हम रहते हैं, और 5 पिलर ऑफ द हेल्थ, जैसे हमारे सीनियर मेंटर्स बोलते हैं, हैप्पीनेस, स्लीप, डाइट, वाटर, एक्सरसाइज, इसके ऊपर अगर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, चिंता मुक्त जिंदगी जीते हैं, हम हैबिट व्यसन से दूर रहते हैं, चिंता चिंता छोड़ के हम योगा मेडिटेशन करते हैं, अच्छी दिनचर्या जैसे हमारे सीनियर मेंटर्स यहाँ पे सिखाते हैं, ऋतुचर्या, फिर बाद में डाइट, जो सकल संतुलित पोषक आहार, और मॉर्निंग कॉल इवनिंग कॉल की एक्सरसाइज जब हम करते हैं, तो इन चीजों से डरने की हमें जरूरत नहीं है। खाली हमारे जो कोलेस्ट्रॉल से जो प्लाक निर्माण होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में होता है, उसके लिए अपने यहाँ जो अपने चाय नाश्ते के साथ हम बीटा हार्ट भी हम ले सकते हैं, जो बीटा हार्ट है, जो अपना सप्लीमेंट, वो जबरदस्त हार्ट के ऊपर काम करता है, जिसमें ओट्स जो रहते हैं अपने, तो उसमें बीटा हार्ट इज ए वेनिला फ्लेवर्ड प्रोडक्ट अवेलेबल इन 15 ग्राम ऑफ सिंगल ऑफ सैचेट, 50 ग्राम के सैचेट में वो आता है, और जिसमें द मेंटेन मेन इंग्रेडिएंट जिसमें रहता है ना बीटा हार्ट इज ओट वेल, ओट बीटा ग्लूकैन बोल के रहता है, ओट्स के ऊपर का जो ये रहता है फाइबर्स, तो उसमें ज्यादा रहता है। द प्रूवन टू बी रिड्यूस और मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड इज मोर देन 50% ट्रायल्स, बहुत सारे उसमें रिसर्च हो चुका है दुनिया में। तो इसमें जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, जो धमनियों में, खाली हार्ट के नहीं, तो पूरे शरीर में, ब्रेन में रहो या किधर भी, जो कोटिंग होता है, तो कोटिंग अंदर से क्लींजिंग करने का काम ये फाइबर हमें करता है, और ये हमें सिखाता है बूस्ट हार्ट हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो रहते हैं ना हृदय में इतना ब्लॉक है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के जैसे वेस्टाटिन, एनाट्रोस्टाटिन, इकोस्पी, क्लोपिडोग्रेल, अलग अलग प्रकार जो टैबलेट हम लेते हैं, खून पतला होने की दवा, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर की दवा, अलग अलग प्रकार के, तो जिसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा रहते हैं, लेकिन वो खाली प्रिवेंट करते हैं कि वो ब्लॉक डिजोल्व करने में ज्यादा मदद नहीं करते। तो ये वहाँ का ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, ये एक सैचेट जो रहता है, तो हम अपने शेक में डाल के भी लेते हैं, थोड़ा शेक गाढ़ा होता है, तो थोड़ा पानी का प्रमाण थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप, नहीं तो 250 ml पानी में एक सैचेट लेके हर रोज एक अगर लेंगे हम, तो जबरदस्त 3 महीने में हमें देख सकते हैं आप, एंजियोग्राफी करके देखिए पहले, फिर बाद में आप 3 महीने 6 महीने ये लेके अपना लाइफस्टाइल न्यूट्रिशनल करके जब हम देखते हैं करते हैं, तो डेफिनेटली जब 6 महीने के बाद हम एंजियोग्राफी फिर से करेंगे, तो उसमें जबरदस्त चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो मेरे हमारे मैडम है डॉक्टर रमा मोरे, तो उनका जो भाई है छोटा, तो छोटा हो के भी उसको हार्ट अटैक जैसे आया था, उनको अंजाइना यानी इस्चेमिक हार्ट डिसीज हुआ था, हार्ट ब्लॉकेजेस होना शुरू हुए थे, और डॉक्टर ने पुनः के उनको बोला था कि तू जाएगा, तू बचेगा नहीं, तब उसकी आंख खुली, और वो सीनियर मेंटर्स बोल के अभी गोविंद गंगोत्री सर, वो हार्ट के ऊपर ही और अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर ही जबरदस्त वो आत्मा अनुभव से वो डिलीवर करते यहाँ से, इसलिए सभी की यहाँ पे पहुंचता है वो,
और उनके खुद टैबलेट फ्री अभी वो काम कर रहे हैं उनके ईसीजी में, इसमें भी पूरे चेंजेस आ गए हैं और एक नॉर्मल और फिट एंड फाइन वो लाइफ जी रहे, डिसीज फ्री लाइफ जी रहे। जब पहले वो टैबलेट लेके सर्वाइवल मोड पे थे, गोली खाएंगे तो बचेंगे, लेकिन अब वो सर्वाइवल मोड से रिवाइवल मोड के ऊपर आए हैं और एक डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ अपने इस हेल्थ बास्केट फोरम की वजह से वो जी रहे। तो इसलिए वो धन्यवाद वो कहते हैं, और जैसे बोलते हैं ना, जो अपना सिठा वो इतना ना सांगा और शाहने करुण जोड़ा वैसा कर जन, इसलिए वो खुद भी जो अनुभव किया है तो लोगों को हेल्प करके वो ज्यादा ज्यादा उनको अच्छा हेल्थ देने की कोशिश अब करते हैं। ये पाउडर फॉर्म में सैचेट है बीटा हार्ट, इसी प्रकार ओट्स बीटा ग्लूकागॉन इसमें रहता है जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर और वेट मैनेजमेंट में भी अच्छी तरह से काम करता है और प्रमोट टू ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया भी वो करने में मदद करता है, यानी जो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन जो अलग अलग अवयव को होता है तो वो भी उससे होना कम हो जाता है। अलग अलग प्रकार के ये रहते हैं जो अलगी ईस्ट ओट्स सेलुलोज ये जो सब्जी मिलता है, तो अलग अलग शरीर में सेलुलोज जो रहता है फाइबर एक्टिवेटेड वगैरह, बाकी ये तो गट्स में ज्यादा काम करेगा या बाकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल में, लेकिन ओट्स स्पेसिफिकली हमें कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर काम करता है। ईस्ट अलगी अलग अलग जो रहते हैं फाइबर्स वो इम्यून हेल्थ हमारी अच्छी करते हैं, तो उसी प्रकार ये जो है ब्लॉकेजेस तो ये निकालने के लिए वो काम करते हैं। जो हमारा फैट जो इम्पोर्टेंट रहता है ओमेगा थ्री फैटी एसिड, जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो रहता है ना, जो काटने काटा काटने ऐसा प्रकार रहता है कि अच्छा अगर फैट जाता है तो बुरा फैट शरीर में का वो निकाल के देता है और फिर उसको बाहर खींच के शरीर के बाहर निकालने में वो मदद करता है। हमारा बीटा ग्लूकागॉन जो है बीटा हार्ट वो तो साफ सफाई करता है, लेकिन वो साफ सफाई जब होती है अंदर की तो ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड उसको हेल्प करता है और वो हार्मोनल जो बैलेंस रहता है वो अच्छी तरह से बनाता है। कहीं पर शरीर में इंफ्लामेशन होना शुरू हो जाता है तो ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो इसेंशियल है, इसेंशियल यानी जो शरीर में निर्माण होता नहीं है वो बाहर से लेना ही पड़ता है, ब्लड शुगर रेगुलर ब्लड शुगर प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग कीप आवर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड बैलेंस करता है वो, और जो रिलैक्स आवर ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल की विस्कोसिटी कम हो जाती है ना, ओमेगा थ्री जो अपना लेते हैं हम हर्बल लाइफ लाइन, तो उससे क्या होता है कि उसकी विस्कोसिटी जबरदस्त बढ़ती है, वो कम ज्यादा उसका आकुंचन प्रसरण होना शुरू हो जाता है, अंदर का ब्लॉकेजेस निकलना शुरू हो जाता है। देखिए किस तरह से जो अपने मेडिसिन शुरू है बीपी शुगर डायबिटीज की, उसके साथ अगर हम ये लेते थे किस तरह से हमें फायदा होता है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो रहता है इन्फ्लामेशन अलग अच्छा फैट्स नहीं लेते हम, ट्रांस फैटी एसिड प्रोसेस्ड फूड बाहर का रेड मीट सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर बीवरेज वगैरह ज्यादा लेते हैं तो इन्फ्लामेशन के बढ़ने के चांसेस शरीर में होते हैं, लेकिन ओमेगा थ्री फिश ऑयल ये जिंजर फ्रूट्स अगर हम लेते हैं तो वो एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स करते हैं, यानी जो भी यस। तो ये कोलेस्ट्रॉल इसी प्रकार शरीर में बढ़ के जो ब्लॉकेज है किस तरह से वो निकालते हैं, इसलिए हमारा जो हर्बल लाइफ लाइन है ओमेगा थ्री फैटी एसिड सपोर्ट्स कार्डियोस्कुलर ब्रेन एंड ज्वाइंट हेल्थ में भी ये इंपॉर्टेंट काम करता है कि जो एसिड नॉट मेड बाय अवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में तैयार होता नहीं है, सो वी नीड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम फूड और सप्लीमेंट, इसलिए वो खाने में से ही हमें बाहर से डायरेक्ट लेना पड़ता है, इसलिए ये अच्छे तरीके से जाना चाहिए जो इंफ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। जिसने ये निकाला है डॉक्टर लुइस इग्नारो जी ने, तो उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है उसकी वजह से, नाइटवर्क और अपने हर्बल हेल्पलाइन ये दोनों कैप्सूल की वजह से, कि जो नोबेल प्राइज हमें तो पता है पूरे वर्ल्ड में वो टॉप पोस्ट साइंटिस्ट को दिया जाता है, जिसमें ईपीए ईडीएचओ बाकी जो रहते हैं, हम देखेंगे कि डीएचए यानी डोकोसाइनोइक एसिड और इकोसाफेनाइक एसिड जो रहता है, जो हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है शरीर में अर्थरा निर्माण करना ब्लॉकेजेस निर्माण करना प्लैक डेवलप करना उसको वो रिड्यूस करने में मदद करता है। उसके साथ अलग अलग प्रकार के ये सब अगर चीजें हम खाते हैं कि साल्मोनेला एग्स ब्रोकली अलग अलग प्रकार के फिशेज टूना फिश, इसमें ये ज्यादा करके वॉलनट्स जो है ये सभी इसमें पाए जाते हैं ओमेगा थ्री, तो जब हम ओमेगा थ्री लेते हैं तो इसलिए तो मॉर्निंग में चार बादाम चार अखरोट चार मनुके ऐसे ये भिगो के हम सुबह में मेथी दाना के साथ खाते हैं तो उसमें भी हमें अच्छा ये मिल जाता है। तो देखिए कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो अपना है वो ब्रेन हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्ट ब्रेन को हार्ट रेट जो रहता है डिसीज उसमें भी इंफ्लामेशन ऑटो इम्यून डिसीजेज जो रहते हैं उसमें शरीर में इम्यूनिटी ये बढ़ाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स में भी ये काम करता है, ब्रेन को डायरेक्ट फंक्शन करने में मदद करता है, अल्जाइमर डिसीज जैसे जैसे हमारा वीक होते जाता है ब्रेन वैसे वैसे अल्जाइमर डिसीजेज शुरू हो जाते हैं, तो ये
ब्रेन को डायरेक्ट न्यूट्रिशन देने का कार्य ओमेगा थ्री फैटी एसिड करता है। प्रिवेंट कैंसर, इन्फ्लामेशन ही नहीं होगा तो कैंसर जैसे ग्रोथ ऑफ मैट टिश्यू के ऊपर भी ये कंट्रोल करता है। ज्वाइंट हेल्थ अच्छा होता है, स्किन हमारी जबरदस्त डेवलप होती है और एंजाइटी डिप्रेशन से हम दूर रहते हैं। हर्बल लाइफलाइन कितना काम करता है देखिए। इसी प्रकार है बीपी वगैरह बाकी भी काम करने में मदद करता है। आईसाइट हमारी डेवलप होती है बच्चों में, 12 साल के ऊपर अगर हम देते हैं एक आधा टैबलेट तो उसके आईसाइट भी जबरदस्त होती है। और देखिए एक टैबलेट में 6 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ई एंड 3 मिलीग्राम ऑफ ईपी एंड डीएचए रहता है अपने हर्बल लाइफलाइन अपने कैप्सूल में। तो देखिए कि इसमें लेकिन दिन में कितना जाना चाहिए, मेल में 1.8 ग्राम पर डे जाना चाहिए और फीमेल्स में 1.2 ग्राम पर डे जाना चाहिए। 1.8 यानी देखिए 300 मिलीग्राम इसमें, यानी 18 होने तक साइट्रिक 18, यानी दिन में 6 टैबलेट भी आप ले सकते हैं। मैंने एक डॉक्टर जब इसके ऊपर लेक्चर दे रहे थे तो वो सुबह में 6 शाम में 6 टैबलेट खाते, क्योंकि बाहर से तैयार होता नहीं अंदर से, इसलिए बाहर से वो लेने की कोशिश करते। और उनका उम्र 50 अबव है, फिर भी एकदम वो 30-35 तक ही दिखते हैं। तो कभी कभी ऐसा रहता है, लेकिन मैं सुबह एक शाम एक ऐसा ही एक एक लेता हूँ। तो लेकिन उसका डोज ज्यादा ज्यादा 1.8 यानी 6 टैबलेट भी आप ले सकते हो दिन में, ऐसा है। और जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो सजेस्ट करते हैं 3-4 ग्राम, यानी बराबर है 3-4 ग्राम यानी 1.8, यानी सुबह में 6 टैबलेट शाम में 6 लेंगे तो 3-4 ग्राम हमारे इसमें जा सकते हैं शरीर में। तो इसी प्रकार ये जब लेते हैं तो पूरा शरीर एक अच्छा हो जाता है। फिर बाद में हम नाइट वर्क, जिसकी वजह से सपोर्ट हेल्दी ब्लड प्रेशर, इंक्रीज सर्कुलेशन। ये नाइट वर्क के बारे में हमारे जो सीनियर मेंटर डॉक्टर गोविंद गंगोत्री सर जो है वो बहुत अच्छा इसके ऊपर उन्होंने सेशन परसों लिया था। अर्जिनिन जो है वो और इसमें विटामिन सी ई फोलिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विच हेल्प योर कार्डियोवेस्कुलर एंड सर्कुलेटरी सिस्टम टू स्टे हेल्दी, और जिसकी वजह से ये हेल्प यू क्रिएट मोर लाइफ सपोर्टिंग नाइट्रिक ऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम स्पेसिफिकली, एंड वेयर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल आर नेचुरल एट द देयर लोअर जो रहता है रिस्क, तो हार्ट अटैक के रात में चांसेस जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। घूरना, स्नोरिंग, इससे भी ये कम होना शुरू हो जाता है। देखिए किस प्रकार की रिलैक्स करने में मदद करता है, जो समझो ये जो पाइपलाइन है समझो 2 इंच की है तो ये 3 इंच की होने में मदद हो जाती है। वैसे इसमें अगर 5 लीटर अगर हम ब्लड डालेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन इसका विड्थ अगर बढ़ता है तो प्रेशर अपने आप ही कम होने वाला है, क्योंकि ब्लड तो उतना ही रहने वाला है। उसी प्रकार ये नाइटवर्क खाली हार्ट के ऊपर ही नहीं है, तो हमारे ब्रेन के ऊपर, जो किडनी के ऊपर, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्राइवेट पार्ट को जब खून पुरोटा बढ़ता है तो हमारे सेक्सुअल जो है वो भी जबरदस्त सुधर जाता है। तो ये सभी चीजें इससे हो जाता है। और ये जो है नाइटवर्क है या अपना ओमेगा थ्री फैटी एसिड है, ये सभी चीजें हमारे शरीर में इसेंशियल रहते हैं, क्योंकि अबव 40 इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे ऐसे कम हो जाता होता चला जाता है। अबव 50 तो वो जरूर है, 40 के ऊपर हमें नाइटवर्क हमारे शेक में या नाइट में जब हमारे हर्षित सर जो मेंटर है तो क्या करते हैं कि 200 ml पानी में 1 चम्मच ये और 2 चम्मच अपना हर्बल कंट्रोल जो है वो डाल के नाइट में लेते हैं, तो उससे उनको नींद भी अच्छी आती है और जबरदस्त उसका रिजल्ट भी उनको मिलता है। तो उसी प्रकार देखिए कि ये जब वेजो डायलेशन होता है तो पेरीफेरी में समझो खून कहीं पे जाता नहीं, तो ये नेटवर्क लेने के बाद इस तरह से खून पुरोटा अच्छी तरह से बढ़ता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट में कहीं पे टारगेटेड ऑर्गन को या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से पहुंचता नहीं है तो नेटवर्क की वजह से वो प्रॉपर वहां पे फंक्शन होता है, यानी प्राइवेट का जो पार्ट है अपना वहां पे भी खून पुरोटा इस तरह से बढ़ने की वजह से उसमें अच्छी तरह से स्ट्रेंथ आती है, स्टेमिना बढ़ता है और अच्छी तरह से नेचुरली हम ये कर सकते हैं। तो उसके साथ अच्छा एक्सरसाइज और ये अच्छा पोषक तत्व भी शरीर को मिलना जरूरी है। हमें पता है कि ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत हमें 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट और फाइटो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी चीजें जो इम्पोर्टेंट रहता है, तो जो सेलुलर न्यूट्रिशन, मॉलिकुलर न्यूट्रिशन जो चाहिए वो अपने पोषक संतुलित आहार जिसमें हम फॉर्मूला 1, फिर बाद में प्रोटीन पाउडर, फिर शेकमेट, इससे जो हमारा शेक बनता है तो वो शेक जो फिट टू सिट टू फिट टेक्नोलॉजी से और जो 30+ साइंटिस्ट और 50 PhD गाइड्स और नोबेल लिटरेचर्स उन्होंने बना के जो हमें दिया है, तो
तो जिसकी वजह से हम एक अच्छा हेल्थ अपना जबरदस्त मेंटेन कर सकते हैं, और अपने अपने सुबह में लेके जब मॉर्निंग वर्कआउट हम करते हैं तो पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग बाकी होना शुरू हो जाता है। और उसमें जब हम एलो प्लस एलो कॉन्सेंट्रेट जब हम डालते हैं तो एक जबरदस्त बॉडी का क्लींजिंग होना शुरू हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन बाकी का ये सब। और मॉर्निंग वर्कआउट में अपना चाय लेते लेते उसमें जब हम एलो कॉन्सेंट्रेट बाकी ये सब लेते हैं तो अपना सेंसिटिविटी बोन का, हार्ट का, सभी अवयवों का अच्छी तरह से बढ़ता है। फिर बाद में जब 40 मिनट में जब अपना सकत संतुलित पोषक आहार जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें कोई अलग अलग तरीके का, समझो किसी को हार्ट डिसीज है और उसमें हम एक पाउच अपना बीटा हार्ट डालते हैं तो भी जबरदस्त पूरे शरीर को, टारगेटेड ऑर्गन्स को वो अच्छा पोषक तत्व तो मिलता है और शरीर में अच्छा काम होता है। और अच्छा एक्टिवेटेड फाइबर की वजह से जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, इसके ऊपर भी जबरदस्त काम होके बॉडी क्लींजिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लींजिंग होने का काम इससे होता है। और जब यह मल्टीविटामिन हम लेते हैं तो पूरे बॉडी में 20 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट भी शरीर में मिलते हैं। वेट मैनेजमेंट का काम अच्छा होता है। सेल एक्टिवेटर से जो टारगेटेड सेल्स रहते हैं वो समझो प्रॉपर हम सब ले रहे हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट हमें मिलता नहीं है, तब सेल एक्टिवेटर जब ऐड होता है वो सेल वहां पे सेंसिटिव होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट्स लेके वो खुद का एनर्जी लेवल और वो खुद की हेल्थ अच्छा हर एक सेल शरीर में डेवलप कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोवाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया यानी प्रत्येक सेल में जो हमारा इंजन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है और जो अपना अल्फा लिपोइक एसिड जो हमारे ओमेगा 3 यानी हर्बल लाइफ लाइन में रहता है तो पावर हाउस जो रहता है वो अच्छी तरह से एनर्जी पैदा करता है और जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं शरीर में। और सेल्यूलोज जो रहता है तो पूरे बॉडी में जो एक्सेसिव सोडियम पोटेशियम जो रहता है पूरे बॉडी में इडिमा आ जाता है हार्ट डिसीज में या ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में, किसी शरीर में कमतरता की वजह से वाटर रिटेंशन होके, तब हमें सेल्यूलोज जब हम ऐड करते हैं तो बेली फैट और स्वेलिंग ये सब कम होने में ज्यादा ज्यादा हम टारगेट हमारा अचीव करते हैं और जिसकी वजह से वेट लॉस भी अच्छी तरह से होता है। ये सभी चीजों से हम खुद अपना परिवार एक जबरदस्त अपना वेट मेंटेन रख के, तान तनाव से दूर रह के, सकत संतुलित पोषक आहार लेके, अच्छा एक्सरसाइज लेके, एक अच्छी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो साइलेंट किलर डिसीजेस को प्रमोट करती है उसको आने का निमंत्रण देती है, तो वो छोड़ के जब हमारा न्यूट्रिशनल एक्टिव लाइफस्टाइल शुरू होती है तो ये अपने आप ही सब डिसीजेस बंद हो जाते हैं, यानी आते नहीं है। पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान है। और अपने लाइफस्टाइल की वजह से, अपने सप्लीमेंट की वजह से अपना शरीर इतना स्ट्रांग बनता है कि धीरे धीरे ये टैबलेट जो हमारे डॉक्टर्स है, जो हमारे फैमिली वो धीरे धीरे कम करते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पे कोई मेडिसिनल का हम दावा नहीं करते कि ये टैबलेट खाओ ऐसा होगा। यहाँ पे हम यही करते कि फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, लाइफस्टाइल गलत की वजह से जो बीमारियां ही है, अच्छे लाइफस्टाइल और अच्छा खान पान की वजह से वही उसका वातावरण उनको मिलता नहीं है पोषण वो डिसीज को, इसलिए वो भाग के चले जाते हैं। जैसे देखिए कि अभी उजनी धरण है वहां पे जब पानी जबरदस्त पूरा डैम भरता है तो अफ्रीका से भी वो पक्षी यहाँ पे आते हैं फ्लेमिंगो और रहते हैं, लेकिन जब पानी खत्म हो जाता है वहां का एनवायरनमेंट बदल जाता है तो फिर से वापस चले जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर का वातावरण लाइफस्टाइल की वजह से, अच्छा पोषक तत्व की वजह से हम स्ट्रांग बनाते हैं तो अपने आप ही डिसीजेस गायब हो जाते हैं और एक हम डिसीज फ्री, हेल्दी, हैप्पी, लॉन्ग लाइफ जीते। थैंक यू वेरी मच, यही मेरा था। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वो तो अच्छे सर, वृंदा मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक बार अनम्यूट करके फिर से म्यूट कीजिए। थैंक यू सर, आनंद सर, अभी आ रहा आवाज? खूब यस यस, सुंदर माहिती दी आनंद सरांनी। म्हणजे आपण डॉक्टर, आनंद सर डॉक्टरच आहे प्रश्न नाही, पण आपण जर आनंद सरांकडे गेलो तर आपल्याला एवढा टाइम मिळू शकत नाही कारण सरांकडे त्यावेळेस, पण आज इथे बघा 1 तास आपल्याला आनंद सरांनी दिला आहे। खूप सुंदर अशी माहिती दिली, आपल्याला सगळी माहिती असते आपल्या शरीराबद्दल माहिती नसते, पण इथे आपल्याला फ्री मध्ये माहिती मिळते। आणि आनंद सरांचा खूप बिझी शेड्यूल असतो तरी त्यांनी वेळातला वेळ काढून आपल्याला माहिती दिली,
त्याबद्दल आनंद तुमचे खूप मनापासून धन्यवाद करते. आणि सगळ्यांना त्याचा काही ना काहीतरी फरक, मतलब म्हणजे कसं जीवनात हे होईल, उपयोग होणारच आहे. तर कोणाला काही प्रश्न असतील तर ते बिंदास विचारू शकतात सरांना. सरांच्या क्लिनिकमध्ये गेलात सर आपला वेळ देणार नाही एवढा, कारण त्यांच्या काही भरपूर पेशंट असतील. पण इथे आपल्याला आज जे काही क्वेश्चन आन्सर असतील विचारू शकता तुम्ही. आपण बिंदास्तपैकी ते हँडल झालेला रमा मॅमचा. येस, आपण रमा मॅडम आणि अनुपमा मॅमकडे जायच्या अगोदर एकच सांगतो, इतक्या सुंदर सेशन सरांनी घेतलंय आनंद सरांनी आज, आणि त्याचप्रमाणे आपल्याकडे काय डिसऑर्डर्स आहेत आपल्या शरीरामध्ये आणि त्याचं आपण कसं समर्थन करू शकतो याच्याबद्दल डिटेल नॉलेज आज संध्याकाळी 4:15 हॅपी टू हेल्प मध्ये मिळणार आहेत. वृंदा मॅम त्यांचा अनुभव आपल्या बरोबर शेअर करणार आहेत या सेशन मध्ये. सो जास्तीत जास्त लोकांना आपल्याला इन्व्हाइट करायचं आहे, और ये जो हमारा चाय और नाश्ता है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी है. थैंक यू आनंद सर सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स एज ऑलवेज. यस वृंदा मैम प्लीज कंटिन्यू. यस यस आई गेस रमा मैम यस को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए उनकी जो अर्धांगिनी है. यस रमा मैम नहीं सर, मैं क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ आनंद सर को. अच्छा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल. और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट हुआ आज शुभांगी मैम का, अपर बॉडी वर्कआउट. होस्टिंग भी एकदम जबरदस्त हुई, एकदम कूल एंड काम. और टॉपिक भी अच्छा रहा सर. यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो अपना हार्ट हेल्थ के लिए जो हम लेते हैं, तो जो अपने सप्लीमेंट है जैसे कि हर्बा लाइफ लाइन है या नाइट वर्क है या बीटा हार्ट है, तो उसके बारे में और फिर से एक बार एक आधा मिनट में आप थोड़ा सा वो क्या फायदेमंद, कैसे फायदेमंद रहता है. जैसे जैसे जाता है तो वैसे वैसे जैसे धमनियों में काठिन्य आ जाता है और उसकी वजह से जो उच्च रक्तदाब, या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लेडीज की तो उनमें वेट बढ़ते जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, या एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं जिनकी महावारी जा चुकी होती है मेनोपॉज़ल एज में. तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होता है, तो उससे क्या हम ये सप्लीमेंट लेके अपना चाय और नाश्ता लेके बच सकते हैं? और दूसरी चीज, वो किस तरीके से काम करता है ये आप आधा एक मिनट में और फिर से एक बार अगर अधोरे कित करें तो बहुत अच्छा होगा. और सर एक क्वेश्चन पूछना था चाहती हूँ कि कोई कोई लोगों को हाइपोटेंशन रहता है, मतलब बीपी कम होने की बीमारी रहती है, तो वो क्यों रहती है? वो भी हार्ट हेल्थ के लिए या हार्ट के लिए अच्छा नहीं है. अभी आप हाइपरटेंशन के बारे में तो हम सब लोग बहुत सारा जान चुके हैं, लेकिन जो हाइपोटेंशन रहता है, बीपी कम हो जाता है, और उसके लिए हम हमारा कुछ सप्लीमेंट उनको बता सकते हैं क्या कि जो उनको सपोर्ट करे? यस सर. यस बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने. तो देखिए कि आपने दुनिया में देखा होगा कि किसी को भी अगर पूछेंगे आप तो हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर आप टैबलेट लेते हैं कि किसकी बीपी की टैबलेट है. लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी नहीं मिलेगा कि ये गोली है ना वो हाइपोटेंशन की गोली मैं लेता हूँ. इस प्रकार हाइपोटेंशन एक प्रकार का सिम्टम्स है, वो अलग अलग अंडरलाइन डिसीज का में दिखता है, तो उसका अंडरलाइन कॉज हमें ढूंढना पड़ेगा. लेकिन बहुत सारे जो स्पेसिफिक लेडीज रहते हैं उनमें ज्यादा करके हाइपोटेंशन के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं. क्यों? तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, अच्छा पोषक तत्व तो शरीर को मिलता नहीं है, तान तनाव स्ट्रेस फैक्टर और बाकी शरीर की तरफ ध्यान नहीं देना और ये चिंता, ये सभी चीजों की वजह से क्या होता है. और अच्छा खान पान नहीं रहने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से उनको शरीर में बीपी थोड़ा कम होता चला जाता है. थोड़ा भी तान तनाव हुआ तो उनको चक्कर आती है, स्ट्रेस फैक्टर की वजह से वो फिर उनको बैठना पड़ता है, कमजोरी वगैरह बाकी ये लक्षण दिखते हैं. तो उनमें जो हमारा सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट और ये सकत संतुलित पोषक आहार जो चाय नाश्ता, और उनको जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो अपना हर्बा लाइफ लाइन है, तो ये और मल्टीविटामिन जो टैबलेट आपने है, टैबलेट कैल्शियम जो अपना नेचुरल सोर्स से बना हुआ रहता है, तो ये अगर लेते हैं और एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते हैं तो उनको जबरदस्त ये अपना इस प्रकार का हाइपोटेंशन का तकलीफ नहीं होता है. लेकिन अगर कोई एक बार डॉक्टर को दिखा के लेना चाहिए, हाइपोटेंशन बार बार हो रहा है तो एक बार हम निदान करते हैं कि वहाँ कोई कार्डियक या बाकी कोई सा डिसीज उनको नहीं है, तो अपने सप्लीमेंट से ही उनका पूरी तरीके से एक जो ब्लड प्रेशर उनका रहता है जो नॉर्मल रहना चाहिए, हाइपोटेंशन बार बार नहीं होना चाहिए तो होता नहीं है. अगर बहुत सारे हमारे यहाँ पे माता भगिनी ऐसे हैं या
बंधु भी ऐसे हैं कि जिनको पहले वीकनेस का हाइपोटेंशन का तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद 3 महीने के बाद उनको फिर से वो प्रॉब्लम्स कभी भी शुरू नहीं होता, क्योंकि जो शरीर में कमतरता है अपने सख्त संतुलित पोषक आहार की वजह से और अपने जो फूड सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन कैल्शियम ओमेगा 3, और किसी को स्ट्रेस फैक्टर की वजह से होता है तो रात में ब्रेन हेल्थ वगैरह बाकी जो भी हम लेते हैं तो उससे ये रिकवरी में चले जाते हैं और फिर बाद में ऐसा प्रॉब्लम उनको नहीं आता। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन। और सर हर्बा लाइफलाइन नेटवर्क और जो अपना बिटा हार्ट है वो किस तरीके से अपने को हेल्प करता है, ये आप थोड़ा एक आधा एक मिनट में बताएंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिटा हार्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, नेटवर्क और हर्बा लाइफलाइन थोड़ा तो उनको थोड़ा सा पता है। यस सर, यस, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे ओट्स है तो ओट्स के ऊपर का जो छिलका है, जो फाइबर्स रहते हैं उसके, तो उसको प्रोसेस करके वो फाइबर्स हमें बाजू में निकाला जाता है। जो हमारे खान पान में सब्जी में जो फाइबर्स रहते हैं सेलुलोज वगैरह बाकी, वो डाइजेस्ट सिस्टम को क्लींजिंग करने में मदद करते हैं। एक्टिवेटेड फाइबर भी हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल या पेट का जो गैस्ट्रिक है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्लींजिंग करने में मदद करता है। लेकिन जो ओट्स है उससे जो बीटा हार्ट बनाया गया रहता है अपना सैचेट, तो वो प्रॉपर हार्ट के ऊपर जाके वहाँ के जो रक्त वाहिनी की वहियों में, वहाँ के धमनियों में जो प्लाक्स है, जो ब्लॉकेजेस है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे है, तो उसको क्लींजिंग करने में वो प्रॉपर तरीके से मदद करता है। इसलिए हमें बीटा हार्ट के ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हर्बा लाइफलाइन अपना है, तो उसकी वजह से जो काटा ने काटा काटने हर प्रकार जो मन तो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको दूर करने के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल ही उसको बाहर लूजनिंग का, वहां से निकालने का, वो जो स्टिफ होके बैठा है जो हमारे पाइपलाइन नल में जो गंज कड़क होता है उसको सॉफ्ट करके निकालने का कार्य ओमेगा 3 फैटी एसिड करता है, जिसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वहां के रक्त वाहिनियों की वो अच्छी तरह से हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर वहां पे खून पुरोटा भी जाता है और जो अपना नेटवर्क है वो वेजो डायलेशन का काम अच्छी तरह से करके जो विटामिन सी ई फोलिक एसिड जो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स है वो भी वहाँ पे देता है, और हार्ट के ऊपर जो ताकत देने का कार्य, जो पंपिंग का कार्य, जो रिदम हार्ट का मेंटेन रखने का कार्य अपना नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से करता है। इतना कार्य करता है कि साइंटिस्ट भी अभी रिसर्च कर रहे हैं कि इतना अच्छा वर्क वो हार्ट के ऊपर एल आर्जिनिन जो रहता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड वो किस तरह से कार्य करता है। तो इसी प्रकार हार्ट को एक कंप्लीट हेल्थ देने के लिए अपना हर्बा लाइफलाइन, नाइटवर्क और बीटा हार्ट ये जबरदस्त काम करते हैं। लेकिन उसके साथ हमें मॉर्निंग कॉल के ऊपर अच्छा एक्सरसाइज और अपना चाय नाश्ता रखना ही रखना है। यस, थैंक यू यस, वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम ने विचारले मतलब प्रश्न त्यामुळे सगळ्यांचे वेरीज क्लियर झाले असतील, कारण कोणी लोक विचारायला थोडं मागे पुढे करतात, पण आपण डॉक्टर समोर बसल्यावर आपण विचारायला पाहिजे, मनात काही प्रश्न ठेवायचे नाही, तर अनुपमा मॅम के पास जाएंगे हम लोग। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आता सेशन खूपच सुंदर झालंय, सेशन म्हणणार नाही मी। सरांनी म्हणजे भीती घालवलेली आहे, जी भीती असते म्हणा, अटॅक म्हटलं की खूप भीती असती, म्हणजे अगदी अशी असते की जर एखाद्याला फॅमिली हिस्ट्री असेल तर अगदी टांगती तलवार असती डोक्यावर आपल्या, त्यामुळे काय होतं मग नुसती भीती असते। तर सरांनी त्याचे सिम्पटम सांगितल्यामुळे काय झाले, त्यातली थोडीशी भीती कमी झाल्यासारखी वाटते, कारण आपल्या आवडतं आपण त्याचा काहीतरी उपाय काढू शकतो। सरांनी खूप सुंदर सांगितलं, सगळ्यात महत्वाचं सरांनी लेडीज बद्दल सांगितलंय की प्रेग्नन्सी किंवा याच्या डिलिव्हरीच्या वेळेस जो पेन होतो तो हार्ट अटॅक पेक्षा जास्त असल्यामुळे आता सगळ्या जेंट्सने लक्षात ठेवावं हे। आणि मला एक विचारायचं आहे सरांना, मला बीपीचा त्रास आहे आणि माझं युटेरियस देखील थोडस पोस्टली काढलेलं आहे, तर मी याच्यात अजून काय काळजी घेऊ शकते? म्हणजे आतापर्यंत मी बाकीच्या घरच्यांना देत होते नाईटवर्क, पण मी आता आज सरांनी सांगितल्यामुळे माझा बीपीचा त्रास असल्यामुळे मी पण नाईट वर्क सुरू करेल। मी बाकीच्यांना देत होते पण सरांनी आज बीपी बद्दल नाईट वर्कचं चांगलं सांगितलेलं आहे, तर मी अजून काय काळजी घेऊ शकते? समजा माझं लवकर काढलेलं आहे युटरस, आणि सरांनी सांगितले मनोपाच्या अगोदर युटरस नाही काढायला पाहिजे, पण आता त्यावेळेस आपण ह्या फॅमिलीत जोडलेलं गेलेलो होतो, जोडलेलं असेल तर नक्कीच मी युटरस काढलं नसतं आणि मला त्याचा चांगलाच फायदा झाला असता, पण आता बात गई म्हणतात तसं झालेलं आहे। तर मी अजून काय काळजी घेऊ शकते हेच मला सरांना विचारायचं। खूप सुंदर सर माहिती सांगितली, म्हणजे आमची जी टांगती तलवार
ती थोडीशी हे झालेलं आहे. यस, खूप छान प्रश्न विचारला. तर कधी 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 काय होतं की माता भगिनींना अंगावरून खूप जाणं किंवा अशा प्रकारचं आतमधनं फायब्रोसिस, फायब्रॉइड, वेगवेगळ्या प्रकारचे काही असे आजार असतात की ते शरीराला इतके त्रास देतात की त्याच्यामध्ये त्यांना जगणं असह्य होतं. त्यावेळेस मात्र आपल्याला युटरस काढावंच लागतं, त्याला पर्याय नाही. कारण पण जरी काढलं तरी जास्तीत जास्त डिले कसं करता येईल आणि झाल्यानंतर सुद्धा जी आपली लाईफस्टाईल आणि आपला जो सकस संतुलित पोषक आहार, चहा, नाश्ता आणि वर्कआउट हे जे आपण करतो ना, तर त्यामध्ये त्या व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही. जे सिडेंटरी लाईफस्टाईल मध्ये असतात त्यांना ते जास्त त्रास होऊन जातं की युटरस काढल्यानंतर. पण आपल्या परिवारामध्ये आल्यानंतर जी आपली चाय, नाश्ता, आपली लाईफस्टाईल जर अडॅप्ट केली त्यांनी तर काही फारसा प्रॉब्लेम येत नाही. कारण हॉर्मोनल जी इम्बॅलन्स व्हायला पाहिजे ती इम्बॅलन्स शक्यतो होत नाहीत. प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, सकस संतुलित पोषक आहार, त्याच्याबरोबर तुमचा हर्बा लाईफ लाईन आणि आपलं मल्टीव्हिटॅमिन आणि नाईट वर्क, ह्या गोष्टी जर आपण चालू ठेवल्या आणि त्याच्याबरोबर जर वाटलं स्ट्रेस, ताणतणाव दूर करण्यासाठी जी आपण ब्रेन हेल्थ घेतो, मी सुद्धा मधनं ब्रेन हेल्थ माझं चालू असतं, त्यानंतर हर्बल लाईफ लाईन पण सुरू असतं. ते सगळे माझ्याकडे सगळे सप्लिमेंट्स आहेत, ऑक्युलर डिफेन्स पासून ते सगळे मी देखील सप्लिमेंट्स त्या घेतो. तर हे चालू असल्यानंतर वेगळं काही करण्याची आपल्याला गरज नाही. आपण एक फिट अँड फाईन कोच आहातच. आपल्याकडे पाहिल्यानंतर मला अजूनही कौतुक करावं वाटतं की त्या काळात युटरस काढून सुद्धा आणि अजूनही असे बरेच आपले सिनियर मेंटर्स आहेत की ते त्यांच्याकडे पाहिल्यावर वाटत सुद्धा नाही या गोष्टी आणि खूप चांगलं तुम्ही मेंटेन ठेवलंय. आणि खरोखर हे हेल्थ बास्केट फोरमचा एक प्लस पॉइंट आहे की अशा प्रकारे आपलं एक एज्युकेशन मुळे आपण एक डिसीज फ्री चांगली लाईफ जगता. ब्रेन हेल्थ घेते मी, नाईट वर मी रेग्युलर घ्यायला सुरुवात करत घेत होते मी यांच्यासोबत. पण जास्त त्यांचा म्हणजे थोडीशी घरात फॅमिली हार्ट फॅमिली हिस्ट्री असल्यामुळे मी त्यांना रोज रेग्युलर देत होते. पण मी पण आता रोज माझ्या रात्री झोपताना नाईट वर्क पण घेईल आणि ब्रेन हेल्थ तर घेते मी अधून मधून, रोज नाही पण आता नक्की रेग्युलर घेण्यासाठी सुरुवात करेल. थँक्यू सर. मॅम थँक्यू अनुभव मॅम. यानंतर आपण जाऊ गोविंद सरांजवळ. हा गुड मॉर्निंग सर. सर माझा प्रश्न असा होता की काही लोकांना लो ब्लड प्रेशरचा त्रास असतो, तर त्या लोकांना आपण कशा प्रकारे मदत करू शकतो की बाबा जेणेकरून त्यांचं कोलेस्ट्रॉल हे बऱ्याच वेळेला हाय असतं आणि लो ब्लड प्रेशरही असतं, तर अशा लोकांना आपण कशा प्रकारे मदत करू शकतो? यस गोविंद सर, बरं वाटलं तुम्हाला पाहून. तुमचा रिझल्टही तेवढा शेअर करा. आणि सगळ्यात महत्वाचं असं की आत्ताच मी सांगितलंय की फक्त सकाळची योग्य मॉर्निंग कॉलवर जेव्हा आपण येतो त्यामध्ये जे काही आपले टेस्टोस्टेरॉन आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे हॉर्मोन्स आहेत ते जर चांगल्या प्रकारे सिक्रीट झाले तर मला नाही वाटत की त्यांना लो ब्लड प्रेशरचा त्रास होईल. आणि त्यामध्ये आपण जो आपला चहा, नाश्ता आणि चहामध्ये असलेलं नॅचरल कॅफिन त्यांना जे स्टिम्युलेट करतं आणि त्याच्याबरोबर जे आपण सकस संतुलित पोषक आहार, मल्टीव्हिटॅमिन, आपलं हर्बल लाईफ लाईन त्यामध्ये ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड जे आपलं जातं आणि प्रॉपर स्लीप ह्या गोष्टी जर असतील तर आणि हॅपीनेस ऑफ माइंड मेडिटेशन वगैरे जर त्यांनी आपल्या मॉर्निंग कॉलवर छानपैकी केलं तर मला नाही वाटत की कुठल्याही प्रकारचं हायपोटेन्शनचा त्यांना त्रास होईल. तर आपल्या मॉर्निंग कॉलवर आणणं हेच त्यांना एक डिसीज फ्री लाईफ जगण्यासाठी किंवा त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते दूर करण्यासाठी खूप महत्वाचे असं मला वाटतं. थँक्यू गोविंद सर तुम्ही प्रश्न विचारल्याबद्दल. अजून काही कोणाच्या मनात किसी के मन में कुछ प्रश्न आहे तो आप सर को पूछ सकते हो. यस गोविंद सरांचा आपण रिझल्ट पाहूया. हे मी दाखवतो आपल्याला एका मिनिटामध्ये की कशा प्रकारे ते हार्ट अटॅक त्यांना आला होता आणि त्यांच्या ईसीजी मध्ये चेंजेस होते आणि ते चेंजेस कसे रिवर्ट झाले त्यांचे. आता हे जर पाहिलं की एक सिंपल गोष्ट अशी आहे की त्यांनी हा जो काढलेला पूर्वीचा पहिला ईसीजी आहे त्यांचा हा एसटी इस्किमिया आहे, याच्यामध्ये जसं उलट हे दिसतंय ठेवलेलं स्कूप टोपल्यासारखं पूर्ण, तर हे त्यांना ते इस्किमिक हार्ट डिसीज होतं म्हणजे आयएसडी जे आपण म्हणतो, तर तो प्रकार तेव्हा होता. त्यावेळेस मला असं वाटतं की
तारीख इथे असेल, त्यानंतर एक 6 महिने जेव्हा आपल्या ते फोरमोड आले तर पूर्णपणे हे रिवर्ट झालेत. हे जे उलट टोपलं होतं ते सरळ झालेलं आहे, हे दिसतंय ते सगळे रिवर्ट चेंजेस झालेले आहेत. आणि आता ते डिसीज फ्री आणि मेडिसिन फ्री लाईफ ते जगतायत. म्हणजे बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर असा प्रकार जो असतो, तर ते आपल्या समोर हे मी त्यांचे चेंजेस दाखवण्याचा मी प्रयत्न करतो. अशा प्रकारे जबरदस्त त्यांचं रिवर्ट चेंजेस आहेत. तर ते 25/7 पहिला त्यांचा ईसीजी आहे, त्यानंतर जो आपण काढला होता तो 11/12 काढलेला आहे, म्हणजे 7व्या महिन्यापासून ते 12व्या महिना. म्हणजे विचार करा की एवढ्या ह्याच्यामध्ये जे आपल्या हेल्थ बास्केट फोरम त्यांनी जी लाईफस्टाईल चेंज केली त्यामध्ये हे प्रॅक्टिकली जे आपण प्रूव्ह करू शकतो अशा प्रकारचे चेंजेस आहेत. आणि ते डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाईफ जगताय. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. सर थँक्यू शेअर केल्याबद्दल. आणि काय झालं होतं तेव्हा जेव्हा मी डॉक्टरांकडे गेलो होतो ना, त्यांच्याकडनं ट्रीटमेंट घेतली, तेव्हा त्यांनी मला असं सांगितलं होतं की माझी जी प्रेझेंट कंडिशन आहे ती रिव्हर्स होण्यासाठी मला 10 वर्षापर्यंत प्रयत्न करावे लागतील आणि एक वेळ जेवण करावं लागेल वगैरे असं काहीतरी त्यांनी सांगितलं होतं की बाबा तुम्हाला हे सगळे कंडिशन रिव्हर्स करण्यासाठी. मी त्यांना विचारलं होतं की बाबा हे किती वेळ लागतो हे सगळे कंडिशन रिव्हर्स होण्यासाठी, तर त्यांनी मला 10 वर्षाची टाइम फ्रेम दिली होती आणि त्यांनी असं सांगितलं होतं की तुम्हाला एक टाइम जेवण करायला लागेल, तुमची जी पोटाचा घेर आहे तो तुम्हाला कमी करावा लागेल, तरच तुमची ही कंडिशन रिव्हर्स होऊ शकते असं त्यांनी मला सांगितलं होतं. यस थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. कसं असतं की जेव्हा आपले लाईफस्टाईल आपण चुकीच्या दृष्टीने टाकत असतो कारण ते नकळत आपल्याकडनं होत असतं, कारण आपले आई वडील असतात अहमदनगरला आणि परिवार असतो पुण्यामध्ये आणि आपण काम करता चेन्नईमध्ये, तर हे सगळे जे भागमदौड असते हे सगळ्या गोष्टी करण्यामध्ये आणि आहाराकडे चेन्नईमध्ये फारसं आपल्यासारखं तिकडं मिळत नाही किंवा बाहेर वेगळ्या प्रकारचं खायचं म्हटल्यानंतर सगळं स्पायसी वेगळ्या प्रकारचे हे ह्या सगळ्या गोष्टी आपोआप घडत गेल्या आणि त्या वातावरणामुळे आपल्याला या सगळ्या गोष्टी घडल्या. पण आपल्या परिवारावर आल्यानंतर जे एज्युकेशनमुळे आपल्याला जी आयसाईट निर्माण झाली की काय चांगलं काय वाईट काय घ्यायला पाहिजे काय सोडायला पाहिजे, त्यातून तुम्ही जे लाईफस्टाईल करेक्शन केलं त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्या. आणि आपल्या सप्लिमेंट्समुळे तुम्हाला इतक्या वर्षानंतर ह्या ज्या गोष्टी घडलेल्या असतात, 38-40व्या वर्षी जर अशा प्रकारचे काही डिसऑर्डर्स लागतात तर इतक्या वर्षाच्या त्या लाईफस्टाईलमुळे लागलेल्या असतात, त्यामुळे रिवर्ट व्हायला जेवढा वेळ ते गुहायला गेले तेवढा वेळ पुन्हा रिवर्ट व्हायला लागतो असं एक सामान्य हे असतं. पण जेव्हा आपला चहा नाश्ता मॉर्निंग इव्हिनिंगला तुम्ही हे करता, 2-3 वेळेस तुम्ही वेट लॉस मॅरेथॉन मध्ये पार्टिसिपेट केलं की कालपासून आपली वेट लॉस मॅरेथॉन सुरू झालेली आहे, तर बरेच जण आपण यामध्ये जर पार्टिसिपेट आपण केलात तर अजून जास्त एज्युकेशन आपल्याला मिळतं, त्यामुळे आपल्याला पोटाचा घेर कमी होणं, बॉडीतला विजरल फॅट बेली फॅट आणि हे सगळं फॅट कमी होण्यासाठी त्यात चांगलं मार्गदर्शन मिळतं आणि लवकरात लवकर आपला हेल्दी फॅट लॉस आपण करतो आणि त्याच्यामुळे आपण एक चांगल्या प्रकारे रिवर्ट होऊ शकतो. आणि 6 महिन्यामध्येच तुम्ही जे काही नॉर्मली शरीर व्हायला जे लागतं 10-10 वर्ष ते आपण 6 महिन्यात ते वर्षभरामध्येच तुम्ही आयडियल ठिकाणी आलेला. यस थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू अनिल सर. अनुपम मॅमला काही क्वेश्चन आहे? हा, आज एक कॉलवर नवीन सारिका मंडिक आहेत, तर त्यांच्या मुलाविषयी त्यांना बोलायचं होतं. त्यांच्या मुलाची आज पेपर आहे, एक्झाम असल्यामुळे त्याला जॉईन करता आला नाही, एवढा वेळ होता तो जॉईन, पण त्यांना सरांशी बोलायचं आहे थोडस, तर त्यांना अनम्यूट करा. सारिका मंडिक हँडरेस केलाय का? सारिका मंडिक, सारिका मॅम, सारिका मॅम, सारिका मॅडम ने हँडरेस करायचं म्हणजे आम्ही त्यांना अनम्यूट करू. त्यांचा कॅमेरा बंद आहे, कॅमेरा चालू करा. सारिका मॅम, सारिका माडिक मॅम आहे ना? मंडलिक. हा मंडलिक. हा ओके, त्यांचा कॅमेरा बंद आहे मॅम. ओके यस, ओपन केलाय त्यांनी कॅमेरा. यस सारिका मॅडम, अनम्यूट चा ऑप्शन आले पहा. बोला सारिका मॅम. सारी की मॅमचं कव्हरेज नाही वाटतं, स्टॉप झालाय कॅमेरा त्यांचा. सारी की मॅम, तुम्हाला आमचा आवाज येतो का? आवाज येतोय का?
हरकत नाही, आपण कॉल झाल्यावर त्यांच्याशी कॉन कॉल वर बोलू शकता त्यांचं जर नेटवर्क नसेल तर. ओके अनुपमा मॅम. ओके ओके सर. येस, काही हरकत नाही. आता जर कोणाचाही हँड रेज नाहीये, कोणाचा बर्थडे अॅनिव्हर्सरी आहे तर त्यांनी पण चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं आहे. आणि